धनु राशि के बारे में अब चर्चा करेंगे। धनु राशि का जो स्वामी गुरु होता है, धनु राशि द्विस्वाब राशि मानी जाती है, वर्ण इसका क्षत्रिय वर्ण होता है, ये विषम राशि मानी जाती है। धनु राशि थोड़ी क्रूर राशि होती है, अग्नि तत्व की राशि होती है। धनु राशि का जो रात्रि बलि राशि मानी जाती है धनुराशि, और ये इसकी पित्त प्रकृति होती है धनुराशि की, इसकी जो दिशा होती है धनुराशि की वो पूर्व दिशा की राशि ये मानी जाती है। धनुराशि का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो होती है जांघे, उसकी अधिकार क्षेत्र में आती है। इस लग्न के जातकों का शरीर सही अनुपात में तथा भरपूर विकसित होता है, क्योंकि धनुराशि गुरु की राशि है, थोड़ा सा फैला हुआ भी शरीर होता है, अनुपात इनका शरीर होता है, शरीर लंबा तथा माथा बड़ा होता है, इनकी जो आईब्रोज होती है, नाक होती है लंबी होती है, आंखें चमकदार होती हैं, देखने में मनोहर थोड़े से होते हैं, मतलब अपने दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित या अच्छे देखने वाले होते हैं। इनके इनके माथे पे, इनके फेस पे एक गरिमा की भावना आती है, गरिमा की फीलिंग आती है इनके फेस पे, क्योंकि थोड़ा सा ये गुरु का तत्व इनके अंदर आता है, तो थोड़ा एक फील फैक्टर इनमें क्लियर होता है, गरिमा वाला फील फैक्टर होता है। जनरली ये थोड़े मोटे होते हैं और हल्के भूरे रंग के इनके बाल होते हैं, और शारीरिक दृष्टि से ये थोड़ा सा गोरीमा सा इनका कलर होता है, और शरीर इनकी बनावट जो होती है डीडॉल जो होता है गुरु जैसा होता है, थोड़ा फैला हुआ होता है। जनरली बृहस्पति का स्वामित्व के कारण बहुत निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, शक्तिवान होते हैं, मतलब अपने पे दृढ़ होते हैं, ये अपने पे वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए इच्छुक होते हैं, लालची थोड़े से अपने पर्सपेक्टिव से होते हैं, विच मीन्स कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए थोड़े अपने पर्सपेक्टिव से थोड़े लालची होते हैं, वे आत्मविश्वासी होते हैं, वे और विरोध के कार्य करने में सक्षम होते हैं, यानी कि अपनी जो उनकी कैपेबिलिटीज है उस विषमताओं के विरोध में कार्य करने में, यानी कि अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हट के भी जो उन्होंने और कार्य करने में वो सक्षम होते हैं, वह सत्यप्रिय होते हैं जनरली, मतलब ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, वे लोग अड़िग होते हैं अपने कार्यों में, नियमित रूप से होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, गुरु का तत्व है तो न्यायप्रिय होते हैं, अड़िग होते हैं ये लोग, और जिस बात पे अड़ जाते हैं तो उस बात पे अड़ जाते हैं फिर वे, और किसी भी नवीन कार्य के आरंभ करने के लिए विलंब कर सकते हैं, क्योंकि वे कार्य की योजना बनाने तथा उसे अंतिम रूप देने में बहुत समय लेते हैं ये लोग। गुरु का तत्व जब तक सही से नहीं समझ में आएगा, जब तक सेटिंग नहीं बैठेगी, जनरली इस बात की पहल नहीं करते, वह सदैव उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, इसमें उनमें किसी भी विषय को समझने की शक्ति अच्छी होती है, क्योंकि गुरु अपने आप में ज्ञान का कारक है, तो एक ज्ञान को भरपूर ज्ञान को चाहिए, और वह नवीन विचारों के स्वामी होते हैं, मतलब और एक थोड़ा हटके एक थोड़ा ऑर्थोडॉक्स जो विचार होते हैं उस ऑर्थोडॉक्स विचार से थोड़ा हटके होते हैं, वह अपने मित्र जो है बहुत जल्दी बना लेते हैं, और अपनी मित्रता बनाए को वर्षों तक निभाने में सक्षम होते हैं, वह आत्मविश्वासी लोग होते हैं और शीघ्रता से अपने विचारों को बदल सकते हैं। इस लग्न के जातक ईश्वर के प्रति बहुत झुकाव होता है, डरते हैं, हम कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति थोड़ा सा उनका विनम्र भाव होता है, और कपट से थोड़ा सा हटके होते हैं, कपट को नहीं करना चाहते, अपने खाने पीने की आदतों पे वो अपना कंट्रोल रखते हैं, वे मिलनसार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये दूसरों के हृदय में को जीतने की क्षमता रखते हैं ऐसे लोग, और लेकिन लगन पे इनका अगर शनि राहु केतु या मंगल का प्रभाव पड़ जाता है तो थोड़े कपटी हो जाते हैं ये लोग, और कभी कभी ऐसी बात करते हैं जो सामने वाले को अपने ज्ञान से ऐसी चीजें को दर्शाते हैं, अगर इनका लगन पे दुष्प्रभाव होता है तो सामने वाले का जो सामने वाले को उनकी बातें थोड़ी गहरी चुभती हैं और उससे उनको आघात होता है, तो ये उसमें भी सक्षम होते हैं, किसी को आघात अपनी बातों से अपने तीरों से कैसे डालना है, अपने तीर मारना है, तो उस बात में सक्षम होते हैं, इनको पता होता है कि हमें अपनी बातों के बलबूते पे सामने वाले को कैसे नुकसान पहुंचाना है। धनु लगन के लोग लोग जो बैंकिंग नौकरी, अध्यापक, धार्मिक स्थान पे काम और प्रकाशन का काम, विज्ञापन का काम, ठेकेदारी का काम, कंपनी सेक्रेटरी का काम, शिक्षा से रिलेटेड कोई काम, कानूनी संबंधी काम, कमीशन एजेंट का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम,
कोई लेदर का काम, ठीक है, और ब्याह संबंधी कोई संबंधी इंटरेस्ट से रिलेटेड काम, स्टेशनरी विक्रेता इस टाइप के काम, और धार्मिक सुधार कर रहे, कोई एनजीओ टाइप कर रहे हैं, न्यायाधीश जैसे कर रहे हैं, दिशक जैसे कर रहे हैं, जो जो भाषण देते हैं वो लोग, या जो स्पीच देते हैं, लेक्चर देते हैं, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग जनरली धनु लगन के लोग जो है ऐसे कामों में इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है। ये लोग निडर होते हैं, साहसी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी महत्ता को, अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने प्रति वो थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं और आक्रामक भी हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अग्नि का तत्व है, साथ में गुरु का ज्ञान है। तो गुरु और अग्नि जब मिलते हैं तो इनमें ज्ञान की कमी तो होती नहीं है, और अग्नि साथ में होती है। तो ऐसे लोग अपने ज्ञान से अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए महत्वाकांक्षी यानी सेल्फिश हो जाते हैं। इसीलिए इन पे, इस लगन पे अगर पाप प्रभाव पड़ जाता है तो सामने वाले को कुछ नहीं समझते, उसको कुछ कुछ तवज्जो नहीं देते, और उसको बेवकूफ समझते हैं उस केस में, और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसको मतलब उसको कुछ भी बोल देते हैं। दे कैन ब्लंटली से एनीथिंग बाई वर्ड्स, दे इज लाइक नॉट अब्यूजिंग, बट बाई सेइंग द वर्ड्स दे सामने वाले को नीचा दिखा देते हैं। नीचा दिखाने की में मतलब कला होती है, शब्दों के माध्यम से ही सामने वाले को नीचे दिखाते हैं। पर सत्य के साथ आते हैं, न्याय के साथ आते हैं, अन्याय का साथ नहीं देता देते ये लोग खड़े रहते हैं। और लेकिन बोलने में ये लोग मुंहफट होते हैं थोड़े, ये ऐसे जाता है, बहुत अधिक सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं सोचे करते हैं, जब तक इनको समझ में नहीं आता तब तक ये कार्य को नहीं करते, विपरीत परिस्थिति में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं ये। जब जब एवरीथिंग कहते हैं ना, एक कहावत है ना, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दी कहावत, बट हाँ, जब जब टाइम जब समय टफ हो जाता है तो टफ समय में जो लोग खड़े होते हैं उनमें से उसमें से धनु राशि के लोग उनमें से कुछ लोग होते हैं जो हमेशा खड़े पाए जाएंगे, ऐसे लोग कि विपरीत समय के अंदर खड़े पाए जाएंगे, मतलब डरते नहीं है, परिस्थितियों से डर के भागते नहीं है ये लोग, ठीक है। और इनके चेहरे पे एक फील फैक्टर होता है, गुरु का जो तेज होता है वो इनके चेहरे पे नजर आएगा। लंबा चौड़ा शरीर, एक गठीला शरीर इनका होता है, और जनरली ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यस, नाउ लेट्स सी दैट।